सदियों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम आपको एक फर्स्ट फ्लोर घर का जो है वॉकआउट दिखाना चाहते हैं, जो रेंट परपोज बनाएगा खासकर स्पेशली, इसके अंदर 1 BHK प्लस 1 BHK का दो भाग बनाएगा। सो वीडियो को देखिएगा एंड अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक को आप क्लिक करो, प्ले लिस्ट में क्या है पूरा डिटेल्स इस घर के बारे में। जैसे कि साथियों, ये था आपका सामने की तरफ का व्यू। इसमें दो शॉप और पार्किंग एरिया है एंड 1 BHK पोर्शन अंदर की तरफ। और अब हम चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में देखिएगा 1 BHK 1 BHK दो पोर्शन बनाए गए। लेट्स सी, यहाँ से आते हैं दो भाग। लो भैया, यहाँ से हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में वहाँ से आप एंटर करते हैं नीचे की तरफ, इधर आता है आपका फर्स्ट फ्लोर एरिया। और यहाँ पर देखो, उस पोर्शन को जाना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा साइड से। यहाँ से एक पोर्शन है और इधर से, मैं आपको पहला वाला पोर्शन में लेके चलता हूँ। कैसे, यहाँ पर देखिए, ये आ गए आप हॉल के अंदर। ये आ गए भैया आप लोग हॉल के अंदर। ये आता आपका हॉल एरिया, जैसा कि इतना बड़ा देख रहे हैं ना। सामने की तरफ एक विंडो है सो दैट कंटिन्यू एक वेंटिलेशन बन सके। और उस कॉर्नर की तरफ जो है ना, टीवी यूनिट एरिया दिया हुआ है और उसके बाजू में एक विंडो। यहाँ साइड में भी एक शेल्व्स मिल रहा है आप लोगों को। साइज़ की बात करें तो 9x12 फीट आपको मिल रहा है, 9x15 फीट तक मिल रहा है आपका हॉल का साइज़। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर देखिएगा, इधर से आप एंटर करते हैं अंदर। और ये रहा आपका ओपनिंग, ये वाला जो पोजीशन आप देख रहे हैं ना, ये रहा आपका ओपनिंग एरिया। फिर उसके बाद यहाँ से एंटर करते हैं, ये आता आपका और एक बेडरूम। बेडरूम की साइज़ की बात करें तो 9x11 फीट तक मिल रहा है एंड उधर एक विंडो लिया हुआ है। इधर जो है इनबिल्ट शेल्व्स, यानी कि दीवार के अंदर ही शेल्व्स लिया हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ से आप चलते हैं घर के अंदर। जो हॉल हुआ, बेडरूम हुआ, ये आता आपका पैसेज एरिया। सामने की तरफ है कॉमन टॉयलेट बाथ और इधर आ जाएगा आपका शेल्व्स। ये देखिएगा व्यूअर्स, ये आता आपका किचन प्लेटफॉर्म। सो किचन को जो है इसी में एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे कि बीच में कॉलम आया, बिकॉज जो ऑफसेट एरिया था देखो, उसको जो है कवरअप किया हुआ है, इसकी वजह से जो है आपको बीच में कॉलम दिख रहा है। सो उस एरिया के अंदर जो है आप लोग बना सकते हैं किचन प्लेटफॉर्म। विंडो और वेंटिलेटर का अच्छा सुविधा दी गई वहाँ पे, कुछ ना कुछ आप बना सकते लाइक पूजा रूम हो कुछ ऐसा। और इधर आ जाए था आपका कॉमन बाथरूम, जो कि मीडियम साइज, नहाने के लिए ठीक है, नहाने के लिए और हगने के लिए भी। ये था व्यूअर्स एक पोर्शन का। अभी मैं आपको दूसरा पोर्शन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से व्यूअर्स आप चलते दूसरा पोर्शन, इधर से आता आपका दूसरा वाला पोर्शन एरिया। ये पोर्शन में यहाँ पे भी थोड़ा सा बालकनी के लिए भी जगह दी गई है पूरा यहाँ से उस पार पर। अगर आप चाहे तो इसको कवर अप भी कर सकते थे, बट जो बालकनी का डिज़ाइन है उस पर शायद इस तरह से बनाए हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये दूसरा वाला पोर्शन है। सो व्यूअर्स, ये था आपका हॉल का एरिया। हॉल में आपको मिल रहा है टीवी रखने के लिए ये कंपार्टमेंट एरिया यहाँ पर, और साइड में भी शेल्व्स दी गई है। फिर उसके बाद इधर से आता आपका ओपनिंग, एंटर कर दिया आप घर के अंदर। इधर देखिएगा एक छोटा सा डाइनिंग एरिया के जैसा भी आपको आप यूज इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला पोर्शन को। इधर आता आपका किचन प्लेटफॉर्म एरिया, एल शेप में आप किचन बना लीजिएगा, ऊपर भी स्टोरेज के लिए जगह है इस तरह से। और फिर इधर से देखिएगा, यह आता आपका साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर की तरफ एक बेडरूम। और इधर थोड़ी सी जगह मिल रही है आपको स्टोरेज के लिए। ये है आपका बाथरूम एरिया, ओके बाथरूम। और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं ना, वो आता आपका अटैच्ड टॉयलेट एंड बाथ उस पार के लिए। सो इस एक वीडियो से आपको पता चलता, देखिएगा कैसा आप लोग ये, अगर आपका बाथरूम के पीछे और एक बाथरूम रहा तो वहाँ पर किस तरह से वेंटिलेशन की सुविधा दे सकते हैं। यहाँ पर एक दिक्कत ये होता है
पाइपलाइनिंग का प्रॉब्लम होता, अभी देखिएगा वो उसको तोड़ के जो उसके नीचे से लेकर जाना पड़ता है, ये अभी हाइट हो जाता है 9 इंच तक हाइट, इसको भर्ती करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये बेडरूम, बेडरूम का साइज लगभग 10x11 फीट तक मिल रहा है, ठीक ठाक है, सफिशियंट जगह मिल रहा है आप लोगों को। इस तरह से मिल रहा है आप लोगों को। ये वीडियो आपको कैसा लगा यार, ये फर्स्ट फ्लोर का वॉक थ्रू था, प्लान भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप ज़रूर चेक कर लेना वहाँ पर, सो दैट आपको भी एक आइडिया मिल जाता है। होप सो गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड कुछ डाउट रहा तो भी इसके रिगार्डिंग आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, थोड़ा सा एक मुझे भी मोटिवेट होता अगर आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए तो, बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब कर रहेगा बिकॉज नोटिफिकेशन की वजह से शायद डिस्टर्ब हो रहा है, सो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखिएगा।